ऋषियान ये क्या ऋषियान यू वॉचिंग ऋषि लॉक्स। सुन बात ये है कि आज घर पे कोई नहीं है और बच गया है ऑलमोस्ट व्हाट इज द टाइम इज द टाइम इज 7:29 PM हो रहा है और अभी क्या सीन है ना, घर पे कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, मम्मी गुड़गांव ही है और मेरा सेटअप ये लगा हुआ ही है। काम करके अभी उठाऊं और खाना आज नहीं खाया उतना, तो मैं ये व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना क्या सोच रहा हूँ, अब खाना बाहर से मंगाने का कोई फायदा तो है नहीं, बाहर से ना मंगाया जाए और अपने आप कुछ बना लिया जाए, और जो मैं अपने आप बनाने वाला हूँ वो अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। तो उस चीज को आपको लोगों को दिखाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं बनाने वाला हूँ एक, मतलब एक नहीं बनाऊंगा तो दो तीन, बट मैं बना रहा हूँ। कल रात दाल मखनी मंगाई थी तो दाल मखनी थोड़ी बच गई थी और कल से मैं सोच रहा था कि बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ये देखा था इंटरनेट पे, तो मैं दाल पराठा बनाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कैसे बनता है, इतने कोई हाई फाई तरीके से तो नहीं बनाऊंगा बट हाँ कोशिश करूंगा अच्छे से बन जाए। अभी पहले हम आटा लगाते हैं, आटे में मखनी दाल डालेंगे एंड देन इट वुड बी अमेजिंग। तो हमें पहले क्या करना है ना, पहले फ्लावर में अपना ये डालना है और वैसे ही गूंदना है आटा। तो ये आटा मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो कभी पराठे बनाने हैं और तो आटा खराब भी नहीं होना चाहिए यार। दाल मखनी है और दाल मखनी इसमें डाल देंगे थोड़ी, और जैसा आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लेंगे। जब मैं किचन का काम करता हूँ ना तो देखना, और ये दिखाऊंगा, मैं बाद में दिखाऊंगा किचन की हालत क्या होती है, खतरनाक ही कर देता हूँ क्योंकि सफाई नहीं, मतलब वैसे काम करना आता नहीं ना। अब मैंने अपने जीवन में केवल ये समझ लो ये मैं दूसरी तीसरी बार बना रहा, और जब भी मैं बनाता हूँ ना तो मुझे एक पराठा बनाने में आधा घंटा लगता है कम से कम। ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गीली है अभी, तो थोड़ा सा आटा और डाल देता हूँ। वीडियो बन रही है नहीं बन रही, कहीं पोपट हो जाए मेरा। ये देखो मेरी हरकत है, कच्चे में भी हो गया था, अब शायद थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसका इसमें थोड़ा नमक कम होगा तो थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड कर देते हैं ताकि टेस्ट बढ़ जाए थोड़ा सा, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, कहीं ज्यादा ही हो जाए लेकिन थोड़ा सा, इतना सा बस। उंगलियों में सॉल्ट घुसा है, लगता है थोड़ा आटा और डालना पड़ेगा थोड़ा, बस हाँ बस इतना सा। आटा तो काफी ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, मतलब एक जने के हिसाब से। मैं दिखाऊंगा आप किचन कैसे कर दूंगा मैं। अब अपना दो बन के तैयार हो चुका है, तवा अपना रखाइए, इसको थोड़ा क्लीन करेंगे एंड देन विल मेक इट। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम तेल वेल में नहीं बनाएंगे, देसी घी में बनाएंगे, अगर खराब होंगे तो खराब हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन बनाएंगे देसी घी में। थोड़े आटे की जरूरत पड़ेगी तो आटा बेलने बेलने के लिए आटे की जरूरत पड़ेगी। इसमें मैंने ब्रेड सेके थे तो थोड़ा सा वैसे ही है, मल्टीग्रेन का है, बाकी और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झाड़ दिया है और क्लीन हो गया है और अपना काम। गैस को थोड़ा इधर कर लेते हैं और इसको उधर रख देते हैं, तो पसीने आने वाले हैं फूट फूट के, और अपनी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब अपने को क्या चाहिए, और घी को पिघला लेते हैं क्योंकि घी की काफी जरूरत पड़ेगी, अभी घी पिघला हुआ नहीं है तो लेट्स पिघला हुआ घी, क्या पता एक प्लेट की जरूरत पड़े तो पास में रख लेते प्लेट भी, कड़छली है हम पे, और क्या चाहिए होता भाई रोटी बनाने के लिए, रोटी पराठे बनाने के लिए। ये हो गया, ये पिघल रहा है, हाँ कड़छा बेल है, चलो फिर कोशिश करते हैं एक को बेलने की, शुरू करते हैं एक। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा के
त्रिकोण पराठा बनाएंगे हम। ये टिफिन ले लिया है, टिफिन में डालते जाएंगे पराठे। अब मुझे वैसा कुछ नहीं पता कि कितने देर तक सेकते हैं, क्या करते हैं, अब जल लेगा क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट आज ऐसा लग रहा है काफी तेज काम हो रहा है। फूल भी रहा है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखो फूल भी रहा है। अब ये मेरे को नहीं पता है कब पता चलेगा कि सिक गया है या कब नहीं पता चलेगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है भाई, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका शेप देखना क्या हो गया, ये फिर भी ट्रायंगल लग रहा है। भाई साहब बड़ी मेहनत का काम है, मेरे को तो लग रहा है अब डन है, सीख गया अब डन है, अब ये डन है। चलो अब डन ही है, ये देखो पहला पराठा मेरे को लग रहा डन है। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा, इतना तो सेक लिया। अब बनाएंगे चौकोर पराठा, ये तो त्रिकोण थे, अरे मैं तो इसकी लोई बनाना ही भूल गया। शिट, पसीना टपक गया। भाई जो भी देख रहा है मेरे से खाना कभी मत बनाना, वरना पसीना एकदम बूंद तो मैं दे दूंगा तुम्हें। और मैं क्या करूं यार, ऐसे करके बनाना पड़ रहा है। पसीना बहुत टपक रहा है, बेलन पे भी चला। ओहो खतरनाक पसीने का काम है। ऐसे किया, अब बनाएं चौकोर वाला। जे ऐसे किया और चौकोर तुझे काम काउ दिन का ना बनेगा, ऐसा लग रहा है मुझे किसी हालत में नहीं बनेगा मतलब चौकोर, लेकिन कोशिश करेंगे हम चौकोर बनाने की मेहनत करके थोड़ी। ओह इतनी तगड़ी फिल्म, आई थिंक ये भी बन गया है। ज्यादा करेंगे तो जल्दी की कगार पर आ जाएगा। बस हो गया अपना, अब इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे,
तीन पराठे इज इनफ। अगर अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, बुरा लगे तो ओके। सामान समेट लें थोड़ा सा, इसको रखेंगे फ्रिज में। इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ना हो खराब। कटोरी से ढक के इसको फ्रिज में और अपना इसका शेप भी बड़ा तगड़ा है, चौकोर आया है तो अच्छा है। ये वीडियो मैंने अभी देखा तो ये वीडियो ऑलरेडी 34 मिनट का हो चुका है। सॉरी मतलब मैं आपको गंदी किचन नहीं दिखा पाया, साफ कर दिया किचन भी और अपना लास्ट पराठा बचा है। 38 मिनट हो गए मुझे पराठे बनाते हुए, 38 मिनट में मैंने 3 पराठे बनाए हैं बस। टपक रहे हैं ऐसे पानी के मुताबिक, टंकी चला दी हूं। And there you have it। इनको जल्दी सर्व करता हूं खुद के लिए और जल्दी खाता हूं। सो मेरा खाना रेडी है और मैं खाऊंगा इसको अचार के साथ पराठा और फेंटा, और जल्दी से इसको लेके चलते हैं इस खाने का रिएक्शन देते हैं। ये रहा पराठा, थोड़ा अचार लगा देते हैं, पराठा तो बहुत सॉफ्ट था। मतलब 7 out of 10 दूंगा मैं इस पराठे को, कोई एक्सपर्ट बनाता तो मैं उसको 5 देता। 2 points मेरी मेहनत के भी हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी और एक बार में बना लिया, लेकिन अगर सब्जी होती सब्जी के साथ खाता तो 100% 10 out of 10 देता मैं इस पराठे को। एकदम बहुत सॉफ्ट है और एकदम कहीं से कहीं तक कुछ कच्चा नहीं है। नमक का स्वाद आ रहा है, दाल मखनी का स्वाद आ रहा है और फेंटा के साथ भी काफी अच्छा लग रहा है। सो यही था ब्लॉग में, थैंक यू थैंक यू मोदी ब्लॉग में बात ये कैसे आए हैं। आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई करना जरूर। बाय बाय।